सेमी सर्कुलर डिस्क, सेमी सर्कुलर डिस्क। तो चलो हम लोग करते हैं सेमी सर्कुलर डिस्क। सेमी सर्क्यूलर डिस्क किस डायमेंशन का बॉडी है? हाँ, 2D। यूनिफॉर्म सेमी सर्क्यूलर डिस्क पर बात करते हैं, ठीक है। यूनिफॉर्म सेमी सर्क्यूलर डिस्क, तो मान लो ये है हमारा सेमी सर्क्यूलर डिस्क, ठीक है। अब इसका रेडियस, ये सेंटर है, ये हो गया इसका रेडियस R, और मास हो गया m, मास m। यूनिफॉर्म है, ये यूनिफॉर्म है, ठीक है ना, यानी कि यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्क अभी क्या कहा तुम लोगों ने, किस डायमेंशन का बॉडी है? 2D। तो इसका मेजरमेंट क्या मिलेगा मेरे को? सरफेस एरिया। मेजरमेंट में मेरे को क्या मिलेगा? सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया मिलेगा, तो इसका यूनिफॉर्म होने का मतलब क्या हुआ? यूनिफॉर्म होने का मतलब है मास पर यूनिट सरफेस एरिया कांस्टेंट, मास पर यूनिट सरफेस एरिया कांस्टेंट, ठीक है। ये मतलब हुआ इसका यूनिफॉर्म होना, क्लियर है। एक टर्म कहा था मैंने मास पर यूनिट लेंथ, उसका एक स्पेसिफिक नेमिंग बताया था। क्या बताया था? मास पर यूनिट लेंथ। क्या बताया था मैं उसका नाम, बोलो? मास पर यूनिट लेंथ का मैंने नाम बताया था। क्या बताया था? लीनियर मास डेंसिटी। वेरी गुड। मास पर यूनिट लेंथ का मतलब लीनियर मास डेंसिटी। मास पर यूनिट एरिया को कहेंगे सरफेस मास डेंसिटी, ठीक है, सरफेस मास डेंसिटी, ठीक है ना। तो सरफेस मास डेंसिटी को जनरली सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। तो यहां एम मास है, अच्छा, इसका अवेलेबल सरफेस एरिया क्या है? तो यानी कि इस केस में सिग्मा का वैल्यू हो गया 2m/πr². कोई डाउट? तो इस यूनिफॉर्म सर्क्यूलर डिस्क का, सेमी सर्क्यूलर डिस्क का, सेमी सर्क्यूलर डिस्क का सरफेस मास डेंसिटी, यानी ऑर्डर, जिस ऑर्डर पे मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, वो है 2m/πr², उसका सिंप्लीफाइड वैल्यू। अब है कि इसका सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, एक सिमेट्रिकल लाइन चुन सकता हूँ, एक सिमेट्रिकल लाइन इसके लिए एज अ रेफरेंस एक्सिस चुन सकता हूँ। तो लेट दिस इज बी द सेट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर रेफरेंस लाइंस, ठीक है। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, वो दो रेफरेंस लाइन है इस सेमी सर्क्यूलर डिस्क के लिए। पूरा πr² / 2 सरफेस में एम मास इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि सिंपल भाषा में कहें तो हर यूनिट एरिया पे मास बराबर है। अब ये रिजिड बॉडी है, तो इसका सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा? चूंकि रिजिड कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन है, तो कॉन्सेप्ट क्या होगा सेंटर ऑफ मास निकालने का? इंटीग्रेशन, ठीक है। और एलिमेंट बॉडी, यानी जो सबसे छोटा वाला हिस्सा होगा इस सेमी सर्क्यूलर डिस्क में, वो क्या होगा? एक, क्या बताया था मैंने लास्ट क्लास में? सेमी सर्क्यूलर रिंग। तो यहां एक सेमी सर्क्यूलर रिंग मैं सिलेक्ट करूंगा, ये एक सेमी सर्क्यूलर रिंग मान लो, ठीक है, ये एक सेमी सर्क्यूलर रिंग विद द सर्टेन थिकनेस। एक क्यों थिकनेस लेना पड़ा? लॉजिक क्या बताया था मैं? हाँ, ताकि सेमी सर्क्यूलर रिंग का भी एक अवेलेबल एरिया मेजर किया जा सके, समझ रहे हो कि नहीं? सेमी सर्क्यूलर रिंग का भी एक अवेलेबल एरिया मेजर करना है मेरे को, ठीक है, ताकि इसको भी टू डायमेंशन, कारण लॉजिक क्या था कि टू डायमेंशनल बॉडी से हम जो एलिमेंट बॉडी चुनेंगे वो भी टू डायमेंशनल होना चाहिए। तो यही कारण है कि ये एक सर्टेन सरफेस एरिया वाला सेमी सर्क्यूलर रिंग मेरे को चुनना है। फाइन।
अब ये चुन लिए, इसके बाद काम करना क्या है, ये जो रिंग मैंने चुना इसका रेडियस मान लो एक्स नहीं, इसका रेडियस मान लो मैं स्मॉल आर ले लिया और इसका थिकनेस डी आर ले लिया। समझ रहे हो ज्योमेट्री में, ज्योमेट्री सबको समझ में आ रहा है सृजन, ज्योमेट्री दिख रहा है ठीक ठाक। स्मॉल आर रेडियस का डी आर थिकनेस वाला एक सेमी सर्क्यूलर रिंग मैंने एलिमेंट बॉडी के तौर पे लिया, तो लेट लेट डीएम बी द मास ऑफ एलिमेंट रिंग एलिमेंट बॉडी एज सेमी सर्क्यूलर रिंग, ठीक है, एज सेमी सर्क्यूलर रिंग। तो उसका मास क्या लिखेंगे, मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट सरफेस एरिया थ्रू आउट द सरफेस बराबर है, रिंग वाला पोर्शन में भी मास पर यूनिट एरिया उतना ही है, दैट इन टू सरफेस एरिया ऑफ दिस सेमी सर्क्यूलर रिंग। सेमी सर्क्यूलर रिंग का सरफेस एरिया क्या होगा, कौन बताएगा? ये जो रिंग है, रिंग का भी तो अपना एक सरफेस एरिया है ना, जो मैंने व्हाइट से शेडेड रीजन दिखाया वो तो सरफेस एरिया है उसका, तो उसका सरफेस एरिया का, एक सेमी सर्क्यूलर रिंग का सरफेस एरिया का मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होता है, कैसे निकालते हैं सरफेस एरिया? कैपिटल आर तो पूरा है, उससे स्मॉल आर स्क्वायर को माइनस करोगे तो ये स्ट्रिप निकल जाएगा, ये मेरे को ये शेडेड वाला पोर्शन सिर्फ चाहिए। नहीं, एक चीज दिमाग में सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो दिमाग में, एक रिंग का सरफेस एरिया, जब रिंग का थिकनेस हो, है ना, जब एक रिंग का, चाहे वो हाफ रिंग हो फुल रिंग हो, रिंग विथ अवेलेबल थिकनेस, तब उसका सरफेस एरिया होता है सरकमफेरेंस इनटू थिकनेस, उसका होता है सरकमफेरेंस इनटू थिकनेस, ठीक है। तो इसका ये सरकमफेरेंस कितना है, ये पाई आर इंटू डी आर, तो ये हो गया पाई आर इंटू डी आर, ठीक है, क्लियर है, नहीं क्लियर है? तो मास ये हो गया डीएम का वैल्यू, सिग्मा इंटू पाई आर डी आर, ये किसका मास हो गया, सेमी सर्क्यूलर रिंग का। अच्छा, सेमी सर्क्यूलर रिंग अपने मास का लोकेशन कहां बताता है? एक सेमी सर्क्यूलर रिंग अपना यूनिफॉर्म मास का लोकेशन कहाँ बताता है? मैंने डिफरेंट वे पे पूछा सवाल, तुमको पूछा जाए कि तुम अपना टोटल बॉडी का मास कहाँ लोकेट करता है, यानी कहने का मतलब सेंटर ऑफ मास, है ना, तो ये सेमी सर्क्यूलर रिंग का अपना खुद का मास जहाँ लोकेट करेगा वही उसका सेंटर ऑफ मास है, क्योंकि जब मैं पूरा सेमी सर्कुलर डिस्क का सेंटर ऑफ मास निकालूंगा तब हर रिंग को एलिमेंट बॉडी लूंगा ना, तब कैलकुलेशन कैसे होगा, डीएम इनटू डिस्टेंस प्लस डीएम इनटू डिस्टेंस प्लस डीएम इनटू डिस्टेंस, यही करने वाले हैं, हाँ या ना? तो हमको जानना पड़ेगा ना भाई ये डीएम कहाँ लोकेट करता है, डीएम का भी तो अपना एक स्पेसिफिक लोकेशन होगा, तो ये रिंग अपना मास को कहाँ लोकेट करता है, 2 by pi टाइम्स इट्स रेडियस, हाँ वही 2r by pi कहाँ, ऑन लाइन ऑफ सिमेट्री फ्रॉम सेंटर, तो ऑन लाइन ऑफ सिमेट्री फ्रॉम सेंटर, तो कहने का मतलब हो गया कि मेरे को ये सेंटर पता है, यानी डीएम लोकेट कर रहा है ये जगह, ये वाला हो गया डीएम का लोकेशन डिस्टेंस, समझ रहे हो कि नहीं? तो ये जो डीएम यहाँ लोकेट कर रहा है तो ये कितना दूर पे लोकेट कर रहा है, 2 by pi टाइम्स इट्स रेडियस, इसका अपना रेडियस कितना है, स्मॉल r, समझ रहे हो, दिमाग तक पहुंच रहा है बात पूरा, 50% 0% हाँ पूरा जाना चाहिए बात, क्लियर है? तो इसका मतलब अब हमारे पास इतना आइडिया हो गया कि अगर रिंग का खुद का रिंग जो कि एक एलिमेंट्री पार्ट है सेमी सर्कुलर डिस्क का, उसका खुद का मास अगर लाइन ऑफ सिमेट्री में है
तो हर रिंग का सेंटर ऑफ मास लाइन ऑफ सिमेट्री में होगा, तो यानी कि पूरा सेमी सर्कुलर डिस्क का भी सेंटर ऑफ मास लाइन ऑफ सिमेट्री में है, और लाइन ऑफ सिमेट्री ही हमारा वाई एक्सिस है, तो हमारा सेंटर ऑफ मास ऑन वाई एक्सिस होगा, तो एक्सीएम जीरो होगा। तो एज पर कैलकुलेशन एक्सीएम जीरो होगा। किसी को डाउट है क्या? कुछ नहीं। तो हमको कैलकुलेट सिर्फ क्या करना है, वाई सी एम कैलकुलेट करेंगे। तो जब मैं वाई सी एम कैलकुलेट करूंगा तो लिखूंगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एम इंटू उसका वाई डिस्टेंस डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, हाँ या ना? तो वाई सी एम का कैलकुलेशन में इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, डी एम हमारा कितना आया था, सिग्मा इंटू पाई इंटू स्मॉल आर डी आर, ये डी एम का वैल्यू। वाई कितना, यही तो वाई है ना, तो y कितना 2 बाई पाई इंटू स्मॉल r डिवाइडेड बाई सिग्मा पाई स्मॉल r dr। ये तो dm का वैल्यू था। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? स्मॉल r, ध्यान से देखो एक बार फिर से ज्योमेट्री, रिंग का वेरिएशन जीरो रेडियस से कैपिटल R रेडियस तक होगा। फंक्शन में स्मॉल r इज द सिंगल वेरिएबल, तो लिमिट क्या जाना चाहिए, जीरो टू कैपिटल आर, यानी लिमिट जाना चाहिए जीरो टू कैपिटल आर, जीरो टू कैपिटल आर। तो कांस्टेंट टर्म को बाहर निकालो, यहां देखो पाई खत्म, ठीक है, ऊपर से बाहर क्या क्या आया, टू इन टू सिग्मा, इंटीग्रेशन में रहा आर इन टू आर, यानी आर स्क्वायर डी आर, लिमिट ऑफ आर जीरो टू कैपिटल आर डिवाइडेड बाई नीचे सिग्मा पाई बाहर रख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ आर डी आर लिमिट जीरो टू कैपिटल आर। सबको समझ में आ रहा है? सिग्मा उड़ा दो, टू बाई पाई रहा, ऊपर का इंटीग्रेशन करेंगे आर क्यूब बाई थ्री, नीचे का इंटीग्रेशन करेंगे आर स्क्वायर बाई टू, तो यानी हो गया 2 इंटू आर क्यूब बाई थ्री डिवाइडेड बाई, मैं डायरेक्ट लिमिट वाला फाइनल स्टेप लिख दिया, दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? तो क्या आया, अच्छा इधर एक पाई छूटा हुआ है, तो क्या आया ध्यान से देखो, 4 आर बाई थ्री पाई, 4 आर बाई थ्री पाई, यानी कि सेमी सर्क्यूलर डिस्क का सेंटर ऑफ मास भी होगा ऑन लाइन ऑफ सिमेट्री।